योर एग्जाम और वो है स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। देखिए स्कैपुलर एनास्टोमोसिस का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे जगह हैं हमारी बॉडी में जहां पे आर्टरीज के जो एंड्स होते हैं वो आके एनास्टोमोस करते हैं, ठीक है। ये जो एनास्टोमोसिस होते हैं दे आर एक्चुअली ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन होता है मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक आर्टरी है, क्लियर, और ये आर्टरी एक पॉइंट पे जाके अपनी ब्रांचेस देती है और इट विल एंड लाइक दैट, क्लियर। अब एक और आर्टरी है, ये दूसरी आर्टरी वो भी अपनी ब्रांचेस दे रही है एंड अल्टीमेटली इट विल एंड हियर। Now what will happen in normal condition कि ये जो ब्लड आ रहा है इस वाली आर्टरी में और इस वाली आर्टरी में, that blood is actually supplying this area, clear? Suppose what will happen in some situation कि अगर ये इस आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है और इस आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है अगर उन ये दोनों किसी एक कॉमन आर्टरी की ब्रांच है, ये एक आर्टरी है जो एक बड़ी आर्टरी है, उस बड़ी आर्टरी से ये दो मेन आर्टरीज निकली हुई है, ठीक है, और ब्लड इस तरह से फ्लो हो रहा है। ये ब्लड यहां से इस ब्रांच में गया और यहां से इस ब्रांच में गया, क्लियर। लेकिन इनके थ्रू ऐसा नहीं जा रहा, इट इज नॉट गोइंग लाइक दिस थ्रू दिस आर्टरी, क्लियर, बिकॉज द ब्लड फ्लो इज कमिंग इन दीज ब्रांचेस फ्रॉम द मेन आर्टरी। लेकिन हमने बोला कि अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे कब है, अल्टरनेट पाथवे तब है कि सपोज इस मेन आर्टरी का ये वाला पार्ट ब्लॉक हो जाए। नाउ ये वाला पार्ट अगर ब्लॉक हो गया तो जो डिस्टल एरिया है उस डिस्टल एरिया की ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो आर्टरी है इस आर्टरी के थ्रू ये जो ब्लड है ये इस कम्युनिकेशन और एनास्टोमोसिस के थ्रू इस तरह से इस चैनल से होता हुआ डिस्टल पार्ट ऑफ आर्टरी में जाने लगता है। यानी यहां पे जो टिश्यू था या यहां पे जो एरिया था जिसको ये आर्टरी सप्लाई कर रही थी उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर नहीं हो रही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, बिकॉज ये आर्टीरियल एनास्टोमोसिस अब काम कर रहा है। इनिशियली तो इधर से भी ब्लड आ रहा था, इधर से भी ब्लड आ रहा था और ये मेन आर्टरी के थ्रू ब्लड आगे जा रहा था, बट बिकॉज यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो अब क्या हुआ, नाउ दीज आर नोन एज कोलेट्रल्स। ये क्या कहलाते हैं, कोलेट्रल्स। सो कोलेट्रल्स जो होते हैं एनास्टोमोटिक साइट पे वो कोलेट्रल इन आर्टरीज को कनेक्ट करते हैं और बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ दीज कोलेट्रल्स ये ब्लड अब इस तरह से कहां जा रहा है, उस डिस्टल पार्ट में जा रहा है जहां पे ये यहां से जाता था लेकिन ये बंद हो गए हैं। So, इसलिए मैंने आपको कहा कि एनास्टोमोटिक साइट्स क्या है, ऑल्टरनेट पाथवे है ब्लड सप्लाई के, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में आप एक एनास्टोमोसिस पढ़ते हो दैट इज अराउंड द स्कैपुला। स्कैपुला के अराउंड जो भी एनास्टोमोसिस आप पढ़ोगे उसको नाम देंगे हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। अब जब आप ये वाला एरिया देखोगे तो यहां पे एक बहुत मेजर ब्लड वेसल है जो आपके हार्ट से अराइज होने के बाद इस तरह से आपके क्लेविकल के नीचे वाले इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन से होता हुआ फिर धीरे धीरे एक्सिला से होता हुआ अपर लिम में जाता है, ठीक है। उस आर्टरी का नाम है सब क्लेवियन आर्टरी। देखिए सब क्लेवियन आर्टरी, सपोज ये जो आर्टरी हमने बनाई इसका ये वाला पार्ट जो एरिया है इसको हम बोलेंगे सब क्लेवियन आर्टरी। ये सब क्लेवियन आर्टरी ही आगे जाके क्या बनाती है, एक्सिलरी आर्टरी, और एक्सिलरी आर्टरी ही आगे जाके क्या बनाती है, ब्रेकियल आर्टरी। सो ये एक ही आर्टरी के तीन अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग नाम हम देते हैं, सब क्लेवियन कंटिन्यू एज ए एक्सिलरी एंड एक्सिलरी कंटिन्यू एज ए ब्रेकियल आर्टरी। अब इस एनास्टोमोसिस में जब आप देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि सब क्लेवियन आर्टरी और इसका जो कंटिन्यूएशन है जिसका हमने नाम दिया एक्सिलरी आर्टरी, इन एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच और सब क्लेवियन आर्टरी की ब्रांच
एक जगह मिलती है और ये जो साइट है ये स्कैपुला के अराउंड है, ठीक है। तो सपोज अगर ये सब क्लेवियम है तो ये आगे क्या कंटिन्यू करेगी, एक्सिलरी आर्टरी में। और ये जो ब्रांच है ये ब्रांच किसकी कहलाई, सब क्लेवियम आर्टरी की। और ये ब्रांच किसकी कहलाए, एक्सिलरी आर्टरी की। और ये जो साइट है जहां पे हमने ये एनास्टोमोसिस बनाया ये है स्कैपुला के चारों ओर, तो ये स्कैपुलर एनास्टोमोसिस का लोकेशन हुआ। सो बेसिकली यहां पे हमने एक चीज जानी कि अगर हमें स्कैपुलर एनास्टोमोसिस के बारे में पढ़ना है या हम स्कैपुलर एनास्टोमोसिस से डील कर रहे हैं तो हम कौन सी आर्टरी की ब्रांचेस से डील कर रहे हैं। आर्टरी तो कॉमन ही रहेगी बट उसका नाम चेंज हो गया, ब्रांचेस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी एंड एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो पहली चीज, द मोस्ट एंड द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, दैट स्कैपुलर एनास्टोमोसिस इज अ साइट वेयर द ब्रांचेस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी एनास्टोमोस विद द ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब ये जो एनास्टोमोसिस है, ये एनास्टोमोसिस स्कैपुला में आप दो जगह पढ़ोगे। एक तो अगर आप स्कैपुला देखते हो तो वो फ्लैट बोन है, तो उसका जो फ्लैट वाला पार्ट है उस फ्लैट वाले पार्ट पे आगे की तरफ कॉस्टल सरफेस पे होता है सब स्कैपुलर एरिया, पीछे होता है सुपरा एंड इंफ्रा स्पाइनेटस एरियाज, सो इन एरियाज के चारों, और दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस के चारों, ठीक है। तो हमें एनास्टोमोसिस के बारे में, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस के बारे में जो सबसे बेसिक चीज है वो क्या पता होनी चाहिए कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस अगर हमें बनाना है तो हमें कौन कौन सी दो आर्टरीज की ब्रांचेस देखनी है, सबक्लेवियन एंड एक्सिलरी। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों आर्टरी अलग अलग आर्टरी नहीं है, ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन में एक ही आर्टरी है, जिस आर्टरी का फर्स्ट रिब की आउटर बॉर्डर के बाद नाम चेंज होकर क्या हो गया है, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं और से आ रही है, ये कहीं और से आ रही है और फिर इस तरह से एनास्टोमोसिस हो रहा है यहां पे, ऐसा नहीं है। आर्टरी इज द सेम, द नेम इज चेंजिंग विद द लैंडमार्क एंड दैट इज द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट, क्लियर। सो दिस इज द बेसिक ऑफ स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। सो पर्टिकुलरली स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में कौन कौन सी नेम्ड आर्टरीज हैं वो अब हम देखेंगे। देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है, ये सब क्लेवियन आर्टरी जब इस तरह से एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू हो रही है, ठीक है, तो ये सब क्लेवियन आर्टरी भी तीन पार्ट में डिवाइड होती है ना। बिकॉज जब भी आप बुक में पढ़ोगे तो ये इट इज वेरी मोर स्पेसिफिकली रिटन दैट स्कैपुलर एनास्टोमोसिस इज एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। इट इज मोर स्पेसिफिक अबाउट द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है, ये सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन कहां से कहां तक है, ये है आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब तक। सपोज ये आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, क्लियर। ये क्या बनाया मैंने, फर्स्ट रिब, क्लियर। सो ये अगर फर्स्ट रिब है तो इसका ये जो आउटर बॉर्डर है यहां तक हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सब क्लेवियन आर्टरी। उसके बाद ये है एक्सिलरी आर्टरी दैट विल गो टिल द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। सो अब ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी के भी हम तीन पार्ट पढ़ते हैं। यहां पे एक मसल आती है एंड दिस मसल इज नोन एज स्कैलेनियस एंटीरियर, दिस मसल इज स्कैलेनियस एंटीरियर। जिस तरह से आप एक्सिला के अंदर पढ़ते हो पेक्टोरेलिस माइनर मसल, कौन सा मसल, पेक्टोरेलिस माइनर मसल, ये पेक्टोरेलिस माइनर मसल इस एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है, उसी तरह से यहां पे स्कैलेनियस एंटीरियर मसल इस आर्टरी को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर रही है। यानी इसके तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। उसके बाद आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बाद ये कहलाएगी एक्सिलरी, उसके भी तीन पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है यहां से एक ब्रांच निकलती है, ये जो ब्रांच है इसका नाम होता है थायरो
आर्टरी जो इस एनास्टोमोसिस में पार्ट ले रहा है। यहां पे थर्ड पार्ट से जो आर्टरी निकल रही है उस आर्टरी का नाम क्या है? सब स्कैपुलर आर्टरी। ये है सब स्कैपुलर आर्टरी। क्लियर? तो यहां पे आपको दो नाम याद रखने हैं जो कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में मेजर रोल अदा करते हैं। पहला, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियर आर्टरी गिव्स ए ब्रांच इज नोन एज थायरोसर्वाइकल ट्रंक। दूसरा, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी गिव्स ए ब्रांच इज नोन एज सब स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये दो आर्टरी की ब्रांचेज ही स्कैपुला के चारों ओर मिलकर एनास्टोमोस बनाती है। ठीक है, वो कैसे बनाएंगी? ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक दो ब्रांचेस देता है जो इस एनास्टोमोसिस में काम आएंगे, और भी देता है, बट इन दिस एनास्टोमोसिस देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ दिस थायरोसर्वाइकल ट्रंक इज इंपॉर्टेंट। उसकी जो पहली ब्रांच है उसका नाम है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, और दूसरी है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, क्लियर? सो यहां पे अब याद कैसे रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस सब चीज को याद कैसे रखना है। देखो, इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका है, वो तरीका क्या है कि जब आप स्कैपुला देखते हो तो स्कैपुला की कितनी बॉर्डर है? स्कैपुला की तीन बॉर्डर। अगर हम यहां पे स्कैपुला ड्रॉ करें तो स्कैपुला इज हैविंग द थ्री बॉर्डर्स। नाउ हर एक बॉर्डर पे, एवरी बॉर्डर इज हैविंग वन आर्टरी। आपको क्या रखना है? एवरी बॉर्डर इज हैविंग वन आर्टरी। ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच है, इस सुप्रा स्कैपुलर नॉच के यहां पे एक आर्टरी होती है अबव द लिगामेंट, और बिकॉज ये सुप्रा स्कैपुलर नॉच है तो आर्टरी का नाम क्या होगा? सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। क्लियर? तो अपर बॉर्डर पे जो आर्टरी होगी उसका नाम क्या होगा? सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। लैटरल बॉर्डर पे एक आर्टरी होती है जो कि इस थर्ड पार्ट के सब स्कैपुलर की ब्रांच है, एंड ये जो ब्रांच है इसका नाम है सर्कमफ्लेक्स सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स मतलब एक राउंड बनाती है यहां पे इस तरह से, और यहां पे एक मसल है उसका नाम है टेरिस माइनर। मसल का नाम है टेरिस माइनर। टेरिस माइनर का जो ओरिजिन है उसके बीच में होती है, ये टेरिस माइनर के ओरिजिन को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। तो ये पूरी मसल यहां से लेके यहां तक कौन सी है? टेरिस माइनर। क्लियर? और टेरिस माइनर मसल के बीच में एक छोटा सा लूप है आर्टरी का। ये लूप किसका ब्रांच है? एक्सिलरी आर्टरी के सब स्कैपुलर आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, ये जो मीडियल बॉर्डर बसती है, इस मीडियल बॉर्डर पे एक आर्टरी रन कर रही है, ये आर्टरी है डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ठीक है, यानी इन नटशेल जब मैं स्कैपुलर एनास्टोमोसिस की बात कर रहा हूं तो मुझे ये पता है कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस इज एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, और मुझे यहां पे कितनी आर्टरी के नाम याद रखने हैं? तीन आर्टरी के नाम याद रखने हैं। एक आर्टरी जो अपर बॉर्डर पे है, एक आर्टरी जो लैटर बॉर्डर पे है, एक आर्टरी जो मीडियल बॉर्डर पे। अपर बॉर्डर पे नॉच कौन सी होती है? सुप्रा स्कैपुलर नॉच। उस नॉच की वजह से यहां पे जो आर्टरी उसका नाम है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी किसकी ब्रांच हो गई? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक निकलता है ये उसकी ब्रांच है। मीडियल बॉर्डर पे फिर से जो ब्रांच है वो फिर से किसकी ब्रांच है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी के थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। ये जो ब्रांच है ये इस वर्ड इस ट्रंक का नाम है थायरोसर्वाइकल। तो जो सर्वाइकल आर्टरी निकलती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल, उसकी एक ब्रांच डीप ब्रांच जो इस लैटरल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर पे रन कर रही है, इसका नाम क्या है? मीडियल बॉर्डर पे जो आर्टरी रन करती है उसका नाम क्या है? डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी।
तो सुपीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर की जो ब्रांचेस हैं वो फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लियर आर्टरी की ब्रांचेस, क्लियर। लैटरल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर में जो आर्टरी है वो एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट की ब्रांच है। एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से हम तीन ब्रांचेस पढ़ते हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड सब स्कैपुलर आर्टरी। अब यहां पे भी बड़ा इजी है याद रखना कि सब स्कैपुलर आर्टरी किधर जाएगी, स्कैपुला की तरफ जाएगी, और ये सब स्कैपुलर आर्टरी एक ब्रांच दे रही है छोटी सी, उसका नाम है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जो इस लैटरल बॉर्डर पर मिलेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों ब्रांचेस हैं, ये तीनों ब्रांचेस इस के चारों ओर एनास्टोमोस करती हैं, और ये एनास्टोमोस क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये जो डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, ये आर्टरी एक्चुअली एक और ग्रुप के साथ एनास्टोमोस करती है, और ये होती है इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है। बिकॉज अगर आप स्कैपुला का को देखोगे पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे, तो जो मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर इंटरकोस्टल स्पेसेस जो होते हैं उन इंटरकोस्टल स्पेसेस के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, और पोस्टीरियरली जो इंटरकोस्टल आर्टरीज आ रही है इंटरकोस्टल स्पेसेस में वो क्या कहलाती है, इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो इंटरकोस्टल आर्टरीज भी इस ट्रांसवर्स सर्वाइकल की जो डीप ब्रांच यहां पे रन कर रही है उसके साथ भी एनास्टोमोस करती है, है ना। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज स्कैपुलर एनास्टोमोसिस अराउंड द बॉडी, ठीक है। तो कौन कौन सी आपको मेन, पहले सबसे पहले क्या याद रखना है कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस किस किस के बीच हुआ, एक ही चैनल है, देखो चैनल एक ही है, बट इस चैनल के दो नाम हमने सुने, सबक्लेवियन एंड एक्सिलरी। एनास्टोमोसिस किसके चारों ओर हुआ, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन की कौन सी ब्रांच है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थर्ड पार्ट की कौन सी ब्रांच है, सब स्कैपुलर आर्टरी। ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक इस स्कैपुला पे कहां मिलेगा, अपर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, और सब स्कैपुलर आर्टरी कहां ऑक्यूपाई करेगी, लैटरल बॉर्डर। अब इन दोनों मेन आर्टरीज की और जो नेम्ड आर्टरीज हैं जो हमें इन बॉर्डर्स पे मिल रही हैं, सुपीरियर बॉर्डर पे सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी, मीडियल बॉर्डर पे डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, लैटरल बॉर्डर पे सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ सब स्कैपुलर आर्टरी और सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनास्टोमोसिस अराउंड मेन प्लेट ऑफ द बॉडी ऑफ स्कैपुला। नाउ देयर इज वन मोर साइट वेयर द एनास्टोमोसिस अकर्स इन द रीजन ऑफ स्कैपुला, वो जो साइट है वो कहलाती है एनास्टोमोसिस अराउंड द एक्रोमियल प्रोसेस, एंड दिस इज नोन एज एक्रोमियल एनास्टोमोसिस। देखो इस एनास्टोमोसिस को फिर से हम अगर देखें तो हमारे पास वापस से वही नाम आना है, कौन से नाम, ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो पहली चीज वापस क्या है कि ये जो एनास्टोमोसिस है, ये एनास्टोमोसिस किस किस के बीच हुआ, ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब यहां पे आपको याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि अगर आप फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच है जिसको हमने बोला थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक एक ब्रांच दे रहा है जो अभी मैंने आपको बताई सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। व्हाट इज दैट, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। नाउ ये सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी किधर जा रही है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द सुप्रा स्कैपुलर नॉच, ठीक है। ये जब वहां पहुंचती है तो वहां पे ये एक ब्रांच देती है और उस ब्रांच का नाम हो जाता है एक्रोमियल ब्रांच, बिकॉज हमें एनास्टोमोसिस कहां बनाना है, अराउंड द एक्रोमियल प्रोसेस। तो एक्रोमियल प्रोसेस
के नियर पे जाके जो भी आर्टरीज अराइज होंगी एंड दोज आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्रोमियल प्रोसेस वो क्या कहलाएंगी एक्रोमियल ब्रांच। इसी तरह से एक ब्रांच आप पढ़ते हो एक्सिलरी आर्टरी की दैट इज नोन एज थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, ये थोरैको एक्रोमियल आर्टरी सेकेंड पार्ट की ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। और एक आर्टरी हम पढ़ते हैं जो थर्ड पार्ट से आती है दैट इज नोन एज पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी एक ब्रांच देती है और वो भी क्या कहलाएगी एक्रोमियल ब्रांच। ठीक है, तो हमारे पास तीन एक्रोमियल ब्रांचेस हैं। एक जो ऊपर से आ रही है दिस इज नोन एज एक्रोमियल ब्रांच ऑफ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। एक जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी से जा रही है इसमें वर्ड अपने आप में छुपा हुआ है एक्रोमियल। और एक जो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल से आ रही है। ये तीनों आर्टरीज एक्रोमियल प्रोसेस के अराउंड एनास्टोमोस करती हैं एंड दैट इज नोन एज एक्रोमियल एनास्टोमोसिस। ठीक है, अब आपने अभी तो एनास्टोमोस दो साइड पढ़ी। ठीक है, तो यहां पे जो थोड़ा सा एक आपको है ना अगर याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है कि जो आपका एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला है बॉडी ऑफ स्कैपुला और एनास्टोमोसिस अराउंड एक्रोमियल प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा ही फर्क है। क्या कि अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला सब क्लेवियन आर्टरी की दो ब्रांचेस कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, वन इज सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, और दूसरी ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी का डी ब्रांच। और ये एनास्टोमोस किसके साथ कर रहा है? ये एनास्टोमोस कर रहा है सुप्रा सब स्कैपुलर आर्टरी के साथ, सब स्कैपुलर आर्टरी ऑफ एक्सिलरी। जबकि अगर आप एनास्टोमोसिस अराउंड एक्रोमियल प्रोसेस देख रहे हो तो एनास्टोमोसिस अराउंड एक्रोमियल प्रोसेस में सब क्लेवियन आर्टरी की सुप्रा स्कैपुलर जो ब्रांच है उस सुप्रा स्कैपुलर की हमारे पास जो ब्रांच है वो है एक्रोमियल आर्टरी। ये एनास्टोमोसिस किसके साथ कर रही है? ये एनास्टोमोस कर रही है एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ठीक है, तो यहां पे क्लियर का डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? अगर आप इसको याद रखने के लिए इस चार्ट को अगर देखेंगे तो बेसिक डिफरेंस है कि जो बॉडी है उसमें एक्सिलरी आर्टरी की तो एक ब्रांच आ रही है, सब क्लेवियन की दो ब्रांच आ रही है। एक्रोमियल प्रोसेस के अराउंड ये उल्टा हो गया, सब क्लेवियन आर्टरी की तो एक ब्रांच आ रही है और एक्सिलरी की दो ब्रांच आ रही है। यहां पर ये 2:1 है, यहां पर ये 1:2 है। क्लियर? सो ये चीज आप अगर दिमाग में रखते हो तो इट इज इजी टू रिमेंबर कि स्कैपुलर एनास्टोमोसिस बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या है, सबक्लेवियन आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस का एनास्टोमोटिक साइड है। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ते हो तो आपके पास एक वर्ड आता है और उसका नाम है पल्सेटिंग स्कैपुला। उसका नाम क्या है? पल्सेटिंग स्कैपुला। पल्सेटिंग स्कैपुला का मतलब यह हुआ कि जो आर्टरीज हैं उन आर्टरीज के थ्रू अगर ब्लड जाना ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, मतलब कि ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है और अगर हम इसको एक सिंगल लाइन में बनाए तो ये सबक्लेवियन आर्टरी है और सपोज ये फर्स्ट स्ट्रिप का लैंडमार्क है और ये एक्सिलरी आर्टरी है। क्लियर? और ये ब्लड इस तरह से आगे लोअर अपर लिम में जा रहा है, तो अगर ये ब्लड जाना इस पाथवे के थ्रू कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट होगा बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन बिफोर द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी। देखो सबक्लेवियन के कितने पार्ट है? तीन पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्सिलरी के तीन पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एनास्टोमोसिस कहां हो रहा है? एनास्टोमोसिस हो रहा है फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट समवेयर ऑल्सो विद द सेकंड पार्ट। क्लियर? अब अगर सपोज इस पूरे एरिया में यहां पे कहीं भी ब्लॉकेज होता है या ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो अपर लिम में ब्लड जाने के लिए आपके पास ये जो अल्टरनेट रूट है ये ओपन हो जाएगा और नाउ द ब्लड विल स्टार्ट टू गो लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो
तो ये जो कोलेटरल्स है जो डेवलप होंगे अराउंड द एनास्टोमोटिक साइड ऑफ द स्कैपुला, तो जो पल्सेशंस हैं वो हमें स्कैपुला के ऊपर दिखने लगती हैं। अगर हम बहुत केयरफुली पेशेंट की डॉर्सल सरफेस पे स्कैपुलर रीजन में देखेंगे तो हमें पल्सेशंस नजर आने लगती हैं। नॉर्मली क्यों नहीं आती? क्योंकि नॉर्मली वो ब्लड फ्लो या वो कोलेटरल्स काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है तो फिजियोलॉजिकली इस ऑब्स्ट्रक्शन को बाईपास करने के लिए सब क्लियर आर्टरी का ब्लड कोलेटरल्स के थ्रू इस एनास्टोमोटिक साइड से होता हुआ एक्सिलरी आर्टरी के डिस्टल पार्ट से होता हुआ अपर लिम में जाने लगता है। तो उस वजह से आपको जो ये स्कैपुला की पोस्टीरियर सरफेस है वहां पे पल्सेशंस नजर आने लगती हैं एंड ये कहलाता है पल्सेटिंग स्कैपुला। ठीक है, सो इन नटशेल व्हाट इज द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस? इट इज अ साइड where you have the branches of the first part of subclavian and mainly the third part of axillary artery and this will allow the passage of the blood in case of the obstruction in the distal part of subclavian or in the proximal part of axillary artery. So this is what is about scapular anastomosis. Thank you.